स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए ऑफिस के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया यहाँ मुझे, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबको। और न्यू ऑफिस का ओपनिंग आज ही हुआ है हमारा और आप देख ही रहे हैं कि कितने प्यार लोग दे रहे हैं। जितने भी लोगों को मैं बोला था जो हमसे प्यार करते हैं, सभी लोग ने आया और अपना आशीर्वाद प्यार दिया, उसके लिए मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही यार जीवन हमसे प्यार करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा कार्य हम दिखाते रहें। थैंक यू विराट। मुझे याद है आपने कुछ महीने पहले मुझसे जिक्र किया था कि 369 एंटरटेनमेंट आप शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते ही एक बहुत बड़ा नाम हो गया, काफी गानों ने जो पहचान बनाई है, उसको लेकर किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने याद दिला दिया कि मैं जब इसका प्लानिंग कर रहा था तो आप मिली थी मेरे से और मैंने बोला था कि हाँ सिस्टर मैं काम करने वाला हूँ, तो मैंने काम किया और मुझे विश्वास नहीं था कि हमारा पहला गाना ही इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा और लोगों का इतना प्यार मिलेगा। और काफ़ी मेरे चैनल का सबसे पहला गाना याद था जो प्रमोद प्रेमी यादव जी ने गाया था और श्वेता महारा ने उस पर परफॉर्म किया था, लक्की विश्वकर्मा जी जो वीडियो डायरेक्टर थे, कोरियोग्राफर थे और उनकी पूरी टीम थी और हमारी मेहनत थी, तो लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे चैनल पर गाने आ रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए कि हम और अच्छे काम करें। अभी रिसेंटली एक कल्पना जी का गाना हमारे चैनल से आया, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया और पहली बार कल्पना जी ने हमारे चैनल के गाना गाया और गाना गा के बहुत खुश भी हुए कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, तो उनका भी प्यार मिला। विराट, कुछ नया तरीके से आप लोग काम करते हैं, काफी अच्छे पैमाने पर, भव्य पैमाने पर शूट करते हैं, काफी अच्छे गाने आप लोग सिलेक्टेड गाने आप लोग चुनते हैं, अच्छे सिंगर्स लेते हैं, अच्छे डांसर्स लेते हैं, अच्छे एक्ट्रेस लेते हैं, तो कैसे ये सब योजनाएं की गई, कौन है आपके साथ साथ, कुछ अपनी टीम के बारे में भी बताइए। टीम हमारी देखिए लक्ष्मण गुप्ता जी हैं जो हमारे पार्टनर हैं और जो हमारे बड़े भैया हैं जिनका आशीर्वाद हमारे सर पे है, अभिमन्यु सिंह जी हैं जो जिनके वजह से सब चीज़ें पॉसिबल हुआ है, तो कहीं ना कहीं भैया का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा और हमारी मेहनत है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से खुश भी हैं कि आप लोग अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो टीम हमारी है कि टीम वर्क कुछ नहीं होता है, एक प्यार होनी चाहिए, एक दूसरे में जलन नहीं होनी चाहिए, अगर जिस दिन जलन होने लगा उस दिन टीम बिखरने में टाइम नहीं लगता है। तो हमारे अंदर इतना तो है कि हम सारी टीम, जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, सब में बहुत प्यार है और मैं माता रानी से ही बोलूँगा, हमेशा चाहूँगा कि माता रानी हम सभी भाइयों का ऐसा प्यार बना के रखिए कि हम और अच्छा काम करें। और हम कोशिश करते हैं, देखिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ अलग कर रहे हैं, ये सभी लोग बोलते हैं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, जिसके भी मूवी आती है बोलते हैं मैं अलग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग नहीं होता, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कुछ अच्छा करें, कि जो ऑडियंस जो हमारे हैं पसंद करें। और जो गंदगी भोजपुरी में, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देख रहा हूँ कि गंदगी के बारे में इतने सारे इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि गंदगी तो है, लेकिन यार जितने भी हमारे सिंगर हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप लोग अच्छा काम करिए। भोजपुरी वैसे भी बहुत बदनाम हो चुकी है, इसको साफ सुथरा करने की जो भी अपना काम है कार्य करिए कि हमारे भोजपुरी या वैसे भी इंडिया के टॉप लेवल पे हमारी भोजपुरी चल रही है, साउथ हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, भोजपुरी का लेवल एक अलग ही लेवल है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिए और काम करिए। हमारी भी सोच यही रहती है कि हम अच्छा काम करें जिससे हमारी ऑडियंस पसंद करे और हमारे चैनल पे आप कमेंट देखेंगी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कभी भी कोई गाली नहीं दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि आगे भी गाली ना सुने। अच्छा, श्वेता महारा के साथ आपने गाना किया और प्रमोद प्रेमी जी के साथ गाना किया, क्या रिपीट में वो जोड़ी वापस दिखाई देगी या फिर और दोनों एक साथ या फिर अलग अलग भी नजर आएंगे आपके गानों में? जी जी, अलग तो आएंगे ही क्योंकि एक साथ भी हम करेंगे, क्योंकि अभी याद का पार्ट टू बनाना है तो श्वेता महारा ही रहेंगे उसमें, प्रमोद भैया ही गाएंगे उस गाने को। और अलग अलग जोड़ी की बात है तो हम अभी रिसेंटली करने जा रहे हैं कल्लू भैया का गाना, दो तीन गाने कल्लू जी का है, तो उसमें भी हम हो सकता है कि स्टार कास्ट में उनको कास्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे मॉडल हैं जो न्यू कमर आई हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम श्वेता महाराज जी के साथ भी करेंगे, लेकिन आगे हम उनको लेके काम कर सकते हैं, है ना? जी, जी, जी। और जितने भी हमारे भोजपुरी के न्यू जो आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका देंगे हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। हम तो यही प्रे करते हैं कि सभी लोग अपने आप में एक बेमिसाल रहें और जनता का प्यार मिलता रहे सबको। अच्छा, 369 एंटरटेनमेंट से क्या फिल्में भी बनेंगी विराट जी? फ्यूचर में तो प्लानिंग है, फिल्में भी करेंगे हम लोग, अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते कि कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो लोगों का प्यार मिलेगा, हम और भी थोड़ा बड़े लेवल पे काम करेंगे तो जरूर करेंगे, कोशिश है कि करेंगे फिल्म। लक्ष्मण जी भी आ गए हैं, हम आइए लक्ष्मण जी, वेलकम है सर।
आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आपके नए ऑफिस के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी श्रोतागढ़ के लिए धन्यवाद और आप लोग आए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों का जी। तो बहुत अच्छा 369 जो एंटरटेनमेंट आपका कंपनी है काफी लोग काफी पहचान रहे हैं लोग काफी उसमें गाने सुन रहे हैं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग भी मेहनत करते हैं 369 एंटरटेनमेंट के लिए और हमारा एक चैनल है 369 म्यूजिक के नाम से। तो बहुत पहले ही हमारा एक गाना रिलीज हुआ था उससे उसको बहुत प्यार मिला मतलब पब्लिक ने बहुत पसंद भी किया और आज उसका 10 मिलियन भी हो गया है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और वही सब देन है कि आज हम जीरो से हीरो बनने की राह पे चल निकले हैं और आज हम अपने एक नए ऑफिस का उद्घाटन किए और अंधेरी लोकेशन में और सबसे ज़्यादा प्यार तो दर्शकों का है और मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है 369 म्यूजिक के लिए क्योंकि शुरू से ही वो लोग हमें बहुत सपोर्ट किए हैं। आगे की क्या प्लानिंग है और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हम देख पाएंगे 369 यस आगे की प्लानिंग है कि अभी हम भोजपुरी के लिए काम कर रहे थे और भोजपुरी के बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे लाइनअप भी हैं और बहुत सारे स्टारों से हमारी ऑलरेडी एग्रीमेंट भी है और डील भी डन हुई है और हमारे पास कंटेंट भी बहुत सारे हैं और साथ ही साथ हम भक्ति और हिंदी के तरफ भी थोड़ा मूव कर रहे हैं और हम अभी बॉलीवुड के लिए भी कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं म्यूज़िक चैनल्स और साथ ही साथ वेब सीरीज़ में भी फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा आगे का फ्यूचर है जिस पे हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए दर्शकों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है और सभी लोग जो भी साथ में हैं उनका साथ हमेशा रहा है। अच्छा कौन कौन से भोजपुरी कलाकार हैं जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमें नजर आएंगे? भोजपुरी कलाकार ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों से तो हमारी बात भी हो चुकी है और अभी कल्लू जी है कल्पना जी से ऑलरेडी काम चालू है और कल्पना जी का एक बहुत बड़ा सॉन्ग हमने रिकॉर्ड भी किया है जो होली के बाद हम रिलीज करने वाले हैं और भोजपुरी के खेसारी जी भी हैं पवन जी भी हैं हम इनके पास भी जाते हैं प्रमोद जी भी हैं और अंकुश राजा जी हैं नीलकमल जी हैं सबसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है क्योंकि मैं भी डिजिटल बैकग्राउंड से था और 2013 से हम लोग जुड़े हुए हैं तो सबसे एक पहचान भी है और सबका सपोर्ट भी मिलता है तो हमारे लिए अभी तक तो कोई ये नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे लेकिन सबसे अच्छा लगा सब लोग सपोर्ट किए और अक्षरा जी हैं बाकी जो भी स्टार हैं एक्ट्रेस हैं सब ने सपोर्ट किया ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर लोग भी बहुत डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं और सब काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो हम लोग शुक्रगुजार हैं कि एक छोटी सी कंपनी जो स्टार्ट होती है और इतना बड़ा प्यार भी मिलता है और पहले ही गाने को 10 मिलियन व्यूज़ दिया जाता है ये भोजपुरी के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये सब गर्व हमको पब्लिक से ही मिलता है कि पब्लिक ने उसको इतना पसंद किया और हमने थोड़ी सी मेहनत हम अभी केक भी काटने वाले हैं 10 मिलियन का। अच्छा नए प्रतिभाओं को मौका देंगे विराट? एग्जैक्टली हमारी पूरी कंपनी ही नए प्रतिभाओं पे जुड़ी हुई है हम तो स्टार्ट भी नए प्रतिभाओं से ही किए हैं और बहुत सारे सिंगर या राइटर्स हमारे जो गाने ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बड़े प्रमुख राइटर हैं बहुत छोटे छोटे भी राइटर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है। हाँ हमें कंटेंट अच्छा लगता है थोड़ी सी चीज़ें जो घर परिवार सबके लिए बने वो हमें बहुत अच्छा लगता है हमने एक होली में प्रोजेक्ट भी रिलीज़ किया था होली में रंगोली कल्पना जी का गाना था बहुत ही लोगों ने उसको पसंद भी किया बहुत ही शुद्ध अपना भोजपुरी वाले म्यूजिक पे है तो बहुत अच्छा भी लगा तो हर लोगों को इसमें मौका है और मौका ही नहीं वो कुछ मेहनत करते हैं तो हमें 2 रुपया मिलता है ये हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं जी। विराट अगर कोई नया प्रतिभा जो जैसे कि कोई बिहार का एक राइटर है या सिंगर है वो आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल देखिए हमारे पास तो सबका नंबर भी है जो हमारे कांटेक्ट में हमारे भाई हैं और हमारा नंबर लक्ष्मण जी का नंबर हमारे चैनल पे अबाउट में नंबर है वहाँ से भी लेके आप फ़ोन कर सकते हैं जो अच्छे लिखते हैं जो गाते हैं हम उन लोगों को भी हम चांस देंगे और दे भी रहे हैं अभी बहुत सारे 20 या 25 गाने हम लोग नए सिंगरों का बना के रखे हुए हैं जो एडिट पे हैं तो सबको मौका मिलेगा इस कंपनी से ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्टार पे ही काम कर रहे हैं हम जो छोटे भाई हैं हमारे उन पे भी काम करेंगे और उनको भी लेके बड़ा वीडियो ही शूट करेंगे तो हमारी कोशिश है कि छोटे सिंगरों को भी मौका दें और अच्छे से अच्छा काम करें। लक्ष्मण जी क्या फिल्मों के तरफ भी रुझान होगा? यस अभी तो हम वेब सीरीज पे ऑलरेडी रुझान कर चुके हैं और उसके लिए तैयारी भी कर चुके हैं और फिल्मों का हमें थोड़ी सी प्लानिंग भी चल रही है हम लोग राइट्स खरीदने के भी मूड में हैं कि हम राइट्स स्टार्ट करेंगे परचेज करना और साथ ही कुछ फिल्म बनाने की भी है लेकिन वो मुझे लग रहा है कि 2023 एंड तक स्टार्ट हो बट अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो है म्यूज़िक चैनल्स वेब सीरीज़ और बाकी भी इंटरटेनमेंट्स के वीडियोज़ हैं और साथ ही साथ हमारे पास डिजिटल की टीम भी है
है जो कि सोशल नेटवर्किंग और पर्सनली यूट्यूब CMS एंड मार्केटिंग सारी चीज़ों पे काम कर रही है। तो धीरे धीरे जब इंटरटेनमेंट ही खोले हैं तो सारा काम ही करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, खुद को पहले एस्टेब्लिश करेंगे, खुद को उस लेवल पे ले जाएंगे कि हाँ हम उस लेवल के हैं कि नहीं है, और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हम करने चाहेंगे। थैंक यू सो मच और सबसे बड़ी बात कि लहरें देखने वाले सभी दर्शकों को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद, और खबरें बिंदास भोजपुरी सभी मीडिया वालों के लिए बहुत शुक्रगुजार है और दर्शकों के लिए भी बहुत शुक्रगुजार है, और आप लोग का आशीर्वाद। थैंक यू पूजा, थैंक यू।